हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और जो है मैंने कुछ दिन पहले अपने कम्युनिटी टैब में आप सबसे पूछा था कि आपको कौन से टॉपिक्स पे गाइडलाइन चाहिए या फिर उस टॉपिक पे आपको एक वीडियो चाहिए जो कि मैं हिंदी में बनाऊं, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे आपके जो है रिस्पॉन्स आया। उसके लिए थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। और वहाँ पर मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स मैंने देखे क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे उस पोस्ट पर, और सब बहुत से अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स पे वहाँ पर पीपल्स को चाहिए कि हाँ मैं उनके उस बारे में एक्सप्लेन करूँ या अपनी जो है टिप्स वहाँ पे शेयर करूँ। सो गाइस मैं पहले सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपके जो भी वहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे उनका मैं उसमें शॉर्ट टर्म में आंसर दे दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ पर टॉपिक बहुत सारे हैं। तो मैंने उसके बाद फिर डिसाइड किया कि मैं एक छोटी वीडियो बनाऊँगा जिसमें उनके सब मैं शॉर्ट टर्म में आंसर दूंगा, और उसके बाद जो है एक एक टॉपिक पे एक एक सेपरेट वीडियोस अपन वीक में 2 टाइम्स में अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे करके अगर अपन करेंगे तो 1 मंथ में वो सारे टॉपिक्स जो है मतलब सारे टॉपिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज आज का मैं टॉपिक ले रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं तो हम जो है माइट कैसे इंक्रीज़ करें, तेज़ी से ग्रो कैसे करें। सो गाइज इस पर मैं कुछ ओपिनियन देना चाहता हूँ अपना। सो गाइज मैं अभी जो रिसेंटली मई और उससे पहले जो मार्च गया था, मार्च की बता रहा हूँ, मार्च के टाइम में सिर्फ 100 मिलियन माइट पे था और अभी 232 पे हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने ज़्यादा पैक्स बाय किया, नहीं, यहाँ पर मैंने एक रूटीन को फॉलो किया था तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करते हो तो आपको अपने बिल्डिंग्स क्रिएट करनी पड़ती है, रिसर्च आपको करनी पड़ती है, तब वहाँ पे उनको तो करते ही हो, वो ठीक है, नॉर्मल है। और अगर आप जो एक अच्छी गिल्ड में चले जाते हो, अच्छी गिल्ड में जाने का क्या प्रॉफिट होता है गाइस कि आपको जो है ना कभी शेल्स की कमी पड़ेगी और ना ही आपको और अच्छे खासे जेम्स और स्पीड्स आपको मिल जाएंगे। सो आप अगर एक नॉर्मल गिल्ड में भी जाते हो जहाँ पर अच्छे गिल्ड्स आपको मिल जाते हैं तब वहाँ पर जा सकते हो। और जो है स्टार्टिंग में जो आप 24 आवर्स की शील्ड यूज़ करते हो उसको ऑफ करें, उसको नहीं करें, क्योंकि आप सिर्फ लिमिटेड ट्रूप्स रखें जिनको आप शेल्टर कर पाएँ। और जो है अपने चाहे तो आप ऑल मैनर्स क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज गोल्ड का स्टार्टिंग में इशू रहता है बहुत, सो आप ऑल मैनर्स क्रिएट कर सकते हैं। और जो आप अपने ट्रूप्स को शेल्टर रखिए एंड नॉर्मली ट्रूप ट्रेन कीजिए और उस पर जैम वेस्ट मत कीजिए। और जो है आप जो है जब भी आपकी एनर्जी जो ये बार है वो फुल हो या फिर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर चुके, मतलब आपके कुछ माइट है और आपके पास एक एनर्जी लिमिट है जस्ट लाइक 40,000 मैं मान के चल रहा हूँ, 35 या 40,000। सो एक गिल्ड है जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, स्टार एमएच मॉन्स्टर हंटिंग गिल्ड, जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स होती है 18 लेवल 1s आई थिंक ये। तो अगर आप जो एनर्जी बार को सेव करके रखते हो डेली या 2 से 3 दिन में आप एक बार वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्या करता था जब मैं 100 मिलियन माइट पे था, मैं डेली उसे ज्वाइन करता था 1.5 से 2 महीने तक और मुझे वहाँ से डेली 1.5 to 2,000 जेम्स मिल जाते थे, प्लस जो है 1 से 1.5 दिन के स्पीडअप्स वहाँ से एक्स्ट्रा मिलते थे और अपनी गिल्ड तो थी सही। सो वहाँ से वो स्पीडअप्स और वो जो जेम्स थे वो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया और मेरा कोलोसियम भी अंडर 500 था जो अभी मैं नया माइग्रेट हुआ हूँ यहाँ, तो अभी अंडर 1,000 है। तो अगर आप अंडर 500 भी रह सकते हो तो वो भी अच्छा था, वो क्योंकि मेरे वहाँ पर हीरोज अच्छे थे उस टाइम जो कि थे, मैं यूज़ करता था रोज़ नाइट ट्रैक और डीमन स्लेयर ट्रिक्स्टर एंड ब्लैक क्रो, इनको मैं वहाँ पर यूज़ करता था इन 5 की टीम से और मैं टॉप 500 के करीब रहता था बिकॉज हर किंगडम में 150 to 200 पीपल्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास P2P हीरोज़ होते हैं, गोल्ड होते हैं, मल्टीपल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 100 पीपल्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक हीरो होता है जो P2P होता है या गोल्ड होता है, और बाकी कुछ 100 पीपल्स ऐसे भी होते हैं जिनको जो है मतलब गेम में एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, उनको पता है कि कौन से टीम को वो कौन से टीम के साथ फ्री टू प्ले में बीट कर सकते हैं और वो फ्री टू प्ले भी अच्छा कोलोसियम में रैंक कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं तो उनको तो अपन टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जो P2P हीरोज़ वाले हैं उनके सामने अपन ज़्यादा नहीं टिक सकते। तो इसीलिए मैं सिर्फ अंडर 500 था उस टाइम
लेकिन अंडर 500 भी मेरे को अच्छे खासे जेम्स वहाँ से मिल जाते थे। सो स्टार्टिंग में आप अपने हीरोज़ पे फोकस कीजिए, जो मैंने 5 हीरोज़ बताए, और अपनी एनर्जी अगर आप बैग से यूज़ कर सकते हो तो बैग से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप जो है वो गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपकी मॉन्स्टर हंटिंग का डैमेज कम है, जस्ट लाइक अगर आपकी रिसर्च मैक्स नहीं है, जस्ट लाइक मेरी रिसर्च पूरी मैक्स है। अगर आपके मॉन्स्टर हंटिंग ट्री की रिसर्च मैक्स नहीं है, आपके जो है पास गियर नहीं है, तो आप जो है कुछ वीक मॉन्स्टर जिनका डिफेंस बहुत कम होता है, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूँ फ्रॉस्टविंग का, ब्लैकविंग का एंड ग्रीम रिपर का एंड हेल्ड राइडर, इनका जो है डिफेंस काफ़ी लो होता है, तो अगर आप इन पर अटैक करते हो, मतलब मॉन्स्टर हंट करते हो, तो आप नॉर्मली या तो 1 हिट में, अदरवाइज 2 हिट में आप उसे डाउन कर सकते हो अगर आपकी रिसर्च थोड़ी भी है तो। आप वहाँ से जो है 18 level 1 ईजिली कर सकते हो अगर आपके पास एनर्जी बैग में है, और अगर आप 1 वीक में 2 times भी वहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छे खासे जेम्स वहाँ से मिल जाएंगे। प्लस जो आपकी गिल्ड से आपको डेली के जेम्स जो मिलते हैं 1000, 1200 जो भी मिलते हैं आपको, वो आपको वहाँ से अलग मिलेंगे। फिर आपका कोलोसियम है, सो अगर आप उनमें से अगर मान लो 1000 gems आपने कहीं पे स्पेंड भी कर दिए स्पीड वगैरह करने में, तो भी आपके पास 3 to 4000 gems डेली के सेव होंगे। उनसे जो है आप अपनी अल्टर बैटल हॉल एंड प्रिजन को जो है बना सकते हो, ट्रेजर ट्रो को बना सकते हो, और आपको जो है ट्रेजर ट्रो में भी डिपॉजिट करना चाहिए, ताकि जो आपको हर मंथ जो है कुछ जेम्स एक्स्ट्रा मिल पाए। जैसे लाइक मेरे को कल पे आउट मिलेगा 46000 का। सो गाइज ये थी कुछ बातें जो आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए जब आप स्टार्ट में स्टार्ट करो, या आपने थोड़ा स्टार्ट कर दिया, आपके पास थोड़ी सी माइट है। एंड गाइज मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप गेम में मनी पुट करो, आप फ्री टू प्ले भी काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो ये $2 का लॉगिन पैक है, लॉगिन गिफ्ट्स का, इसको आप ज़रूर बाय करें। बिकॉज यहाँ से आपको क्या मिलता है आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर जो अनकॉमन मटेरियल्स मिलते हैं जो आपकी गियर अपग्रेड में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको अगर आप $2 देते हो तो आपको 1 month में ऑलमोस्ट 8 मिलते हैं, मतलब 2 blues, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके साथ आपको ब्राइट टैलेंट ऑप्स भी मिलते हैं, प्लस आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज एंड स्पीड अप्स जो आपको मिल जाते हैं, रिलोकेटर्स मिलते हैं, और 50% आर्मी अटैक भी मिल जाता है। सो $2 में ये बहुत है गाइस, क्योंकि आपको जो मटेरियल है उसकी प्राइस जो है $2 से काफ़ी ज़्यादा है। सो अगर आप इसे बाय कर सकते हो तो ज़रूर बाय करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा यहाँ पर है। ये अदर पैक्स का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अगर आपके पास मनी है तो आप कर सकते हो आपकी इच्छा, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट फ्यू थिंग गाइस, कि आप जब भी कोई अपनी रिसर्च कंप्लीट करो या अपना बिल्डिंग कंप्लीट करो, या आपकी ट्रूप ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, जो नॉर्मली ट्रूप ट्रेनिंग आपकी चल रही है, अगर आप उस टाइम जो है सोलो इवेंट या हेल इवेंट आप कंप्लीट कर पाओ, जस्ट लाइक ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं सोलो में, तो 15000 आपको रिसर्च से पॉइंट चाहिए। और अगर आपको मान लो आपके रिसर्च में 2 घंटे बाकी है, और अगर आपने उसको हेल इवेंट के टाइम फिनिश किया, मतलब सॉरी सोलो इवेंट के टाइम फिनिश किया, तो आपको 2 घंटे के स्पीड अप्स तो वापस मिल ही रहे हैं, प्लस में जो एनर्जी VIP पॉइंट्स एंड रिसोर्सेस जो मिलेंगे वो अलग है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप कोई बिग रिसर्च या फिर आप हेल इवेंट कंप्लीट करते हो, तो आपको वापस जेम्स मिलेंगे, स्पीड अप्स जो है थोड़े हैवी मिलेंगे, और जो है चेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे गाइस। सो स्टार्टिंग में माइट ग्रोथ करने का यही है कि आप जब भी अपनी बिल्डिंग की मतलब फिनिश करने वाले हो, तो आप जो सोलो इवेंट को ज़रूर देखें, उसको तो एटलीस्ट ट्राई कर कंप्लीट करने की ट्राई करें, ताकि आपको 1 या 2% जो आपका स्टाफ है वो वापस मिल सके। और 1-2% जो है अगर आप दिन में 10 बार भी करते हो, या फिर एक वीक में भी 10 बार करते हो, तो वो बहुत है गाइस। और जो है जैसा कि मैंने बताया, आप उस गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, जो मॉन्स्टर हंटिंग गिल्ड है, उसकी जो लिंक है मैं आई बटन में डाल दूंगा। उसका टाइमिंग अभी थोड़ा चेंज हो गया है, तो पहले आपको 5:30 बजे ज्वाइन करना रहता था सुबह के टाइम इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, बट अब आप 5 बजे सुबह के टाइम कर सकते हो। एंड अगर आप जो है थोड़े से हैवी माइट पे हो, मतलब जैसे कि 60-70 माइट पे, और आपकी जो है T4 अनलॉक होने वाली है, या उसकी तरफ आप प्रोसेस में हो, तो आप डेली शील्ड में जो मत इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि मैं क्या करता था, मैं
नॉर्मली 11 बजे करीब सोता था और 8 घंटे की मैं शेड्यूल यूज़ करता था और सुबह 5 बजे का अलार्म भर देता था ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। और जो है गिल्ड भी मैं वहाँ पर ज्वाइन कर लूँ, और वापस जब भी मैं कॉलेज जाता था तो मैं वापस अपनी 8 आवर की शील्ड पुटअप कर देता था 8 PM के अकॉर्डिंग, 8 AM के अकॉर्डिंग सॉरी। और शाम को जब मैं आता था 2 से 3 बजे तो मैं वापस जो 8 आवर की शील्ड लगा लेता था। तो ऐसा करके मैंने 24 आवर शील्ड में भी अपने जेम्स वेस्ट नहीं किए ज़्यादा। हाँ कभी कभी होता है कि जब मैं 4-5 दिन रेगुलर सुबह जल्दी उठता था, मतलब नींद पूरी नहीं होती थी, तो मैं एक दिन 24 घंटे की शील्ड यूज़ कर लेता था वीक में 1 टाइम। सो वो ठीक है, उस दिन मैं गिल्ड भी ज्वाइन नहीं करता था, अलार्म ऑफ करके सो जाता था। सो गाइज मैंने ऐसे करके जो है लास्ट में बहुत ग्रोथ किया था। आपने जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि 5 to 6 months पहले मैं 100 मिलियन माइट पे था, उसके बाद मैंने टीयर फोर्स अनलॉक की और अभी 232 पे हूँ। ये मेरी माइट बहुत ज़्यादा होती है अगर केवी के मैं इतने लॉसेस नहीं करता, पर ट्रूप्स बनते ही मरते के लिए, तो दैट्स ओके गाइज। सो होप यू गाइज आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो ऑफकोर्स एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो है ऐसी वीडियोस आपको और भी आएंगी इस वीक में, अगले वीक में और पूरे मंथ ही आएंगी। सो उसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। एंड थैंक यू गाइज फॉर द सपोर्टिंग। बाय, सी यू गाइज लेटर।